हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आप में से बहुत से लोग अब आरआरबीपीओ मेंस जो है वो क्लियर कर गए हैं, तो बात आती है आपके फाइनल स्टेप की, जो कि है आरआरबीपीओ का इंटरव्यू। देखिए, इंटरव्यू बहुत ही क्रूशियल है आपके लिए, क्योंकि अगर मेंस में आपके कट ऑफ से सिर्फ 4-5 नंबर ही ऊपर हैं तो इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब मेन्स में किसके कितने मार्क्स हैं ये किसी को नहीं पता है। ठीक है, सब लोग सिर्फ गेस कर सकते हैं, मेरे इतने होंगे, मेरे इतने होंगे। ठीक है, तो वो चीज़ जो पता नहीं कर सकते हैं उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। सबके सब लोग को सिर्फ क्या करना है, इंटरव्यू में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करना है। एंड ये मैं गारंटी के साथ बात करता हूँ, जो गोल्डन करियर के व्यूवर्स हैं उनका इंटरव्यू सबसे अच्छा होगा। लास्ट ईयर भी जो हमारे व्यूवर्स थे उनका इंटरव्यू सबसे अच्छा रहा होगा। यूट्यूब पर भी आपको इतनी वीडियोस कहीं नहीं मिलेंगी इंटरव्यू की डिटेल में, जितनी वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। देखिए, जिस चीज़ के बारे में मैं जानता हूँ सिर्फ उसके बारे में ही मैं गारंटी से बोलता हूँ। कंप्यूटर के बारे में मैंने गारंटी से बोला था, क्यों? क्योंकि कंप्यूटर मेरा सब्जेक्ट है, मैं जानता हूँ, मैं बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। इंटरव्यू की कंप्लीट प्रिपरेशन कैसे होगी? तो वन एंड ओनली इसका आंसर है, गोल्डन करियर आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन करवाएगा। क्या कैसे करवाएगा मैं आपको बताता हूँ, क्या कैसे करना है बताता हूँ, इंटरव्यू कैसे होता है वो भी बताता हूँ, पैनल में कौन लोग होते हैं, कैसे पैनल डिसाइड होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो IBPS RRBPO का जो इंटरव्यू है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन प्रिपरेशन के पहले आपको मैं एक चीज अच्छे से बताना चाहूंगा कि इंटरव्यू तक एक काम आपको लगातार करना है, वो है न्यूज़पेपर रीडिंग। न्यूज़पेपर बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि न्यूज़पेपर से अगर कोई भी न्यूज़ पूछ ली, रिसेंटली बड़ी न्यूज़ हुई और वो आपको ना पता हुआ उसके बारे में, तो ये एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, जो पैनल में मेंबर्स होंगे उनके ऊपर, कि रिसेंटली न्यूज़ है, मतलब आपने सिर्फ रीजनिंग और मैथ्स की मेहनत कर ली, बाकी आप पढ़ने लिखने में इंटरेस्टेड नहीं हो, आप अपडेटेड रहने में इंटरेस्टेड नहीं हो, ऐसा ये वहां पर मैसेज जाता है। मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे किसी भी मेंबर का ऐसा कोई मैसेज जाए। तो आप सभी लोग को पता होगा कि न्यूज़पेपर डाउनलोड करना फ्री ऑफ कॉस्ट है। गोल्डन करियर की वेबसाइट पर जाएंगे, www.goldencareer.co.in, न्यूज़पेपर पर क्लिक करेंगे तो डेली न्यूज़पेपर मिल जाएंगे, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है। बदले में थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, बस एक दो एड्स पे आप क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, लेकिन अब मेन बात करते हैं आपके इंटरव्यू की। देखिए, इंटरव्यू में जो पैनल में 4 से 5 लोग होंगे जो इंटरव्यू आपका लेंगे, मोस्ट प्रोबेबली 5 लोग होंगे, जिसमें से एक फीमेल मेंबर जरूर होगी। ठीक है, ये होता है। जहां भी आपकी इंटरव्यू की लोकेशन होगी, कुछ बेसिक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, प्रिपरेशन तो मैं बताता हूँ मैं कैसे कराऊंगा, और लास्ट ईयर जिन्होंने हमारी वीडियोज देखी है उनको तो कोई डाउट ही नहीं होगा कि प्रिपरेशन को लेकर कोई डाउट रहे। लास्ट ईयर की वीडियोस अगर आप देखना स्टार्ट कर दिए हैं तो देखिए जरूर, बट इतना भी मैं कहता हूँ अवॉइड करिए, क्योंकि नई वीडियोस में लाऊंगा आपके लिए जो और अच्छी होंगी। मैंने भी तब से बहुत चीज़ें सीखी हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, आपने भी तब से चीज़ें भी थोड़ी चेंज हुई हैं। ठीक है, कुछ डेटा भी चेंज हुए हैं, तो इससे मैं कहूँगा कि मैं आपको पहले मैं प्रिपरेशन क्यों करा सकता हूँ अच्छी। नंबर चीज वन, मैं एज ए RRBPO ही वर्क कर रहा हूँ। नंबर टू ये है कि RRBPO के इंटरव्यू में मैंने खुद बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, नियर अबाउट 80 मार्क्स मिले हैं, 100 में अगर कैलकुलेट करें जो इंटरव्यू होता है। नंबर 3, पैनल में जो मेंबर होते हैं, तो एक मेरे जानने वाले हैं वो पैनल में मेंबर है, मेरी उनसे बात होती है, एंड तो बहुत कुछ और नया सीखने को मिलता है कि वो लोग क्या देखते हैं, क्या डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं जो मुझे जो है ज्यादा मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन में बहुत अच्छी से करा सकता हूँ। चौथा, मैं खुद चैनल चला रहा हूँ, अपडेटेड रहता हूँ न्यूज से। ठीक है, आपको मैं कंप्लीट प्रिपरेशन इसलिए करा सकता हूँ क्योंकि बेसिक बैंकिंग ही पूछी जाती है, बैंक में कार्य करने के तरीके ही पूछे जाते हैं। ठीक है, आप जहाँ पे इंटरव्यू का प्लेस होगा वहां पर आते हैं, वहां पर 5 से 7 पैनल चल रहे होंगे। जब आपका इंटरव्यू का कॉल लेटर जनरेट होगा ना, तो उसमें लिखा होगा कि आपका इंटरव्यू किस पैनल में है, पैनल 1 2 इस तरह करके लिख कर आएगा 3। ठीक है, तो जिस पैनल में आपका इंटरव्यू होगा आपको उसी पैनल में इंटरव्यू देना है। तो ऑन एन एवरेज देखें तो लगभग 30 लोग इंटरव्यू ले रहे होते हैं आपके सेंटर पर। ठीक है, अलग अलग पैनल्स में अलग अलग लोगों के लोग। ठीक है, अब बात आती है इंटरव्यू के मार्क्स का, कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है भाई, मैं आपको बता दूं। ठीक, कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है कि भाई किसी से बहुत टफ क्वेश्चन पूछ ले, किसी से इजी पूछ लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंप्लीटली बेस्ड है ये आपके लक पर। ठीक है, इसमें कोई भी आपका रोल नहीं है क्या क्वेश्चन आएगा, लेकिन कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमेशा सेम रहती हैं। नंबर 1, आपका जो भी बैकग्राउंड है वहां से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। मतलब आपने BSc किया हुआ है फिजिक्स में, तो आपसे फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे।
आपने कंप्यूटर किया हुआ है तो कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। आपने बी कॉम किया हुआ है तो बी रेडी बैंक से बहुत आपसे कॉमर्स इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, बैलेंस शीट, लेजर, ये सब चीजें पूछी जाएंगी, रेशियोस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये दिक्कत है, आप MBA इन फाइनेंस हैं तो आपसे हार्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये आप रेडी रहिए कि जो आपका बैकग्राउंड है वहां पर आपको स्ट्रांग होना चाहिए। पूछी बेसिक चीजें ही जाती हैं, कोई डेरिवेशन फिजिक्स का नहीं पूछ लिया जाएगा, ठीक है। बेसिक चीजें ही पूछी जाएंगी, ये क्यों पूछा जाता है, ठीक है। आप बैंक की नौकरी के लिए जा रहे हैं फिर भी ग्रेजुएशन क्यों पूछा जाता है, इसलिए पूछा जाता है ताकि पैनल को पता चल सके कि आप कितने सीरियस स्टूडेंट रहे हैं, ठीक है। कोई सीरियस कैंडिडेट है ना वो भूल नहीं जाता है चीजें, ठीक है। क्या ग्रेजुएशन में कुछ बड़ा भूल गए, भूल जाते हैं लेकिन एक हल्का सा तो याद रहता है ना, यहाँ इसमें ऐसा ऐसा होता होगा, बस उतना ही पैनल को जानना होता है, या कुछ आपको याद है भी कि नहीं भी याद है, ठीक है। नंबर वन चीज होगी आपके बैकग्राउंड के बारे में। नंबर दो हो गई चीज जो पैनल सबसे ज्यादा देखता है, वो ये है कि योर सेल्फ, आपके खुद के बारे में, आप खुद को कितने अच्छे से जानते हैं, खुद की स्ट्रेंथ वीकनेस कितने अच्छे से जानते हैं, खुद को रिप्रेजेंट कैसे कर पाते हैं आप पैनल को, पैनल के सामने अपने आप को, ठीक है। नंबर तीन, न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स या न्यूज़पेपर, ठीक है। करंट अफेयर्स मई जून जुलाई महीने के नहीं पूछे जाएंगे, इंटरव्यू की डेट से आज तक, आज से इंटरव्यू की डेट के बीच के ही पूछे जा सकते हैं, चांसेस कम होते हैं, 30% कैंडिडेट से मान लीजिए पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि सबसे पूछा जाता है, ठीक है। फिर आती है नंबर चौथी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, ठीक है, बैकग्राउंड के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है, ये है आपकी बैंकिंग टर्म्स और जितने भी इंटरव्यू से रिलेटेड चीजें होती हैं, गार क्या होता है, सरफेसी क्या होता है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम क्या होती है, एनपीए क्या होता है, रिकवरी कैसी होती है, कौन सा अकाउंट कब एनपीए होता है, किसान क्रेडिट कार्ड क्या है, कैसे काम करता है, ये सब चीजों की बात है, ठीक है। तो ये सब चीजें तो खैर बेस्ट हैं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, इनको तो मैं बता ही दूंगा क्योंकि डेली इनसे डील करता हूँ, तो इनके लिए आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ आपको ओवरव्यू मिल गया होगा। ऑन एवरेज इंटरव्यू की बात करें तो आप जाएंगे, आपका इंट्रो होगा, ठीक है, आपसे आपकी फैमिली के बारे में पूछा जाएगा, बैंक क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं इसके बारे में पूछा जाएगा, ठीक है, आपके बैकग्राउंड से क्वेश्चन होंगे, फिर बैंक से रिलेटेड जो होती हैं ये क्वेश्चन होंगे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड होंगे, कम बैकग्राउंड से होंगे, ठीक है, ये तो सबसे होगा ही होगा, ठीक है। किसी किसी के बैकग्राउंड से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा भी हो सकते हैं, मे बी बैंक से रिलेटेड क्वेश्चंस कम हो, ठीक है, देन आपका इंटरव्यू ओवर हो जाएगा। ये कंप्लीट प्रोसेस बहुत टाइम नहीं लेता है, हार्डली 15 से 20 मिनट का टाइम लेता है, 15 से 20 मिनट सुनने में ज्यादा लगता है, जब आप रूम में एंटर करते हैं कब 15 से 20 मिनट निकल जाते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन मुझे जो एक पर्सनल फीलिंग आई कि अगर आप खुद को, मतलब खुद कॉन्फिडेंट हैं तो आपका इंटरव्यू ज़्यादा अच्छा जाएगा। आपने क्वेश्चन गलत भी कर दिए हैं तो भी आपको कोई भी डाउट नहीं जाएगा, तो भी मतलब कुछ दिक्कत नहीं होगी। अभी जैसे इंटरव्यू में आप जिस प्लेस से बिलोंग करते हैं उस प्लेस से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन जरूर होता है। एक जानने वाले हैं मेरे, उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उनका इंटरव्यू एक्चुअली लखनऊ में हुआ था, ठीक है, यूपी से बिलोंग, वो बिलोंग लखनऊ से नहीं करते हैं, वो बिलोंग करते हैं उन्नाव, नहीं सॉरी, वो बिलोंग करते थे कानपुर से, ठीक है। अभी जब उनका इंटरव्यू हुआ, जबकि इंटरव्यू उनका 2016 में हुआ था, ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों ने न्यूज़ में ध्यान दिया हो तो 2014 में एक न्यूज़ आई थी, ठीक है, 2014 में एक न्यूज़ आई थी, 13 या 14 में, मुझे एग्जैक्टली ईयर नहीं याद है, कि एक बाबा थे उन्नाव के, ठीक है, बहुत फेमस हुई थी इंडिया, बहुत आज तक बुरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी उसके पीछे पड़ गई थी। उन्होंने सपना देखा था और कुछ बताया था कि अगर इस जगह पर खुदाई की जाए तो बहुत ज्यादा सोना निकलेगा, 1000 क्विंटल सोना निकलेगा, ऐसा कुछ उन्होंने बात बोली थी, ठीक है, और उस पर बहुत ज्यादा खुदाई हुई और बहुत न्यूज़पेपर किया कि यहाँ पे इतने इतने टन सोना है, ये है वो है, ठीक है। तो इंटरव्यू पैनल ने ये पूछ लिया, जब वो कानपुर से थे, वो कानपुर नौ के बीच की डिस्टेंस शायद बहुत कम है, तो उनसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि आप उन बाबा का नाम बताइए जिन्होंने ये सपना देखा था और ये खुदाई की थी। तो ये क्वेश्चन किसी और से नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वो वहां के आसपास के एरिया के थे इसलिए उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया। तो आपके आसपास अगर कुछ फेमस हुआ हो, कुछ बड़ी कंट्रोवर्सी हुई हो, कुछ न्यूज बनी हो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको जस्ट एक एग्जाम्पल दिया कि ऐसी चीजें पूछ ली गई, ठीक है। तो रेडी रहिए, अभी आप क्या कर सकते हैं, अभी आप ये कर सकते हैं,
आपका जो बैकग्राउंड है ना, सपोज आपने बीएससी फिजिक्स में कर रखी है, केमिस्ट्री में या मैथ्स में कर रखी है, उसको पढ़ने मत बैठ जाइएगा, कोई फायदा नहीं है। 3 साल का सिलेबस थोड़ी पढ़ लोगे यार, जरूरी भी नहीं क्वेश्चन उससे पूछा जाए। वो इंटरव्यू का जो पैनल होगा वो जज कर लेगा आप कितने सीरियस कैंडिडेट थे, ठीक है। उसको हैंडल करने के तरीके भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो उसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है, बस आपको रेडी रहना है। अभी प्रिपरेशन के लिए क्या करिए, आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, अच्छा खासा टाइम देकर। एटलीस्ट आप 45 मिनट 1 घंटे आप न्यूज़पेपर में दीजिए। अब अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत है आपके लिए, ठीक है। न्यूज़पेपर बहुत जरूरी है पढ़ना, पढ़िए। इंटरव्यू का एक बेसिक आइडिया आपको हो गया होगा कैसे क्या होता है, एंड प्रिपरेशन की वीडियो बहुत जल्द आ जाएंगे, मे बी 2 से 3 दिन में आना स्टार्ट हो जाएंगे एंड डेली आएंगे। इतनी अच्छी प्रिपरेशन कराऊंगा कि गोल्डन क्रिया के जो व्यूवर्स ने अगर कट ऑफ से थोड़े भी ऊपर नंबर होंगे ना, तो आपका सिलेक्शन होना ही होना है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि सिलेक्शन ना हो। बहुत से लोग हैं जो वीडियो नहीं देख पाते हैं, उनके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन जो वीडियो देखेंगे डेली या जैसा मैं कह रहा हूँ फॉलो करेंगे, तो मैं गारंटी देता हूँ आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। एंड लास्ट ईयर हुआ है, बहुत ज्यादा लोगों का सिलेक्शन हुआ है गोल्डन क्रिया के जो व्यूवर्स हैं, मैं खुद कॉन्टेक्ट में हूँ उनके साथ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो किसी भी रीजन से अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए इसको, सब्सक्राइब करिए, एंड वेबसाइट पे जाकर न्यूज़पेपर डाउनलोड करिए। क्विज खेलिए डेली, आप लोग भी भाई क्विज खेलिए, आरआरबीपीओ फाइनल नहीं है, क्विज खेलिए, इनाम जीतिए, गिफ्ट जीतिए, ठीक है। डेली रात 10 बजे होती है, एंड आज क्विज होगी डीआई की। स्टडी मटेरियल पे जाइएगा, वहां से डीआई डाउनलोड कर लीजिएगा। आज की जो बुक है हार्ड लेवल डीआई है, वही पूछी जाएगी शाम को, डीआई स्पॉट देयरर, एंड साथ में आपके न्यूज़पेपर के 5 क्वेश्चन आज के। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर प्लीज अच्छा लग रहा है कुछ भी तो थोड़ा सा सपोर्ट करिए, वेबसाइट पर जाइएगा तो एक दो ऐड पे जरूर क्लिक करिएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।